पापड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, ठीक है, 1 कप घी या ऑयल, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ीरा चाहिए 1 टेबल स्पून, और नमक चाहिए आपको हसबे जायका, ठीक है, और पानी चाहिए आपको हसबे जायका। जिस तरह से आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आए, अब हम आपको वीडियो की तरफ चलते हैं कि किस तरह से हमने ये इसका मिक्सचर रेडी करना है। साथ साथ थोड़ा सा पानी भी इस्तेमाल करेंगे। अब रहेंगे, ठीक है, 5 से 10 मिनट तक। आप देख सकते हैं कि ये हमारी डो रेडी है पापड़ी के लिए, ठीक है। अब हम इसको आधा घंटा मैक्सिमम इसको ढक के रख देंगे, ठीक है, ताकि थोड़ी और सॉफ्ट हो जाए, और फिर हम स्टार्ट। देख सकते हैं आप कि अब हमने पेड़े कर लिए हैं इसके, अब हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पेड़े को अब आपने हल्का सा घी लगा के पहले इसको हाथ के साथ थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इसको बेलन के साथ करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि जो ऑयल है हमने इसको हल्की आंच पे रखा हुआ है, ये गर्म हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही इस थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो अब हम इसमें वो जो हमने बनाई हुई थी पापड़ी वो अब हम इसमें डाल देंगे, फ्राई करेंगे। कैमरा ऊपर रखो। अब हम इसमें ये पापड़ी डालेंगे। आप देख सकते हैं कितनी मज़े की लग रही है, और ये फ्राई हो रही है। अब आप देख सकते हैं कि ये पक रहा है, और जब तक ये अच्छी तरह से क्रिस्पी और लाइट ब्राउन से इसका कलर नहीं आ जाएगा तब तक हम इसको बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है। तब तक ये क्रिस्पी और पक रहा है अच्छी तरह से। अब आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी ब्राउन हो रही है, अब इसको और पकाएंगे थोड़ा सा थोड़ा सा, अब इसको और ब्राउन। अब आप देख सकते हैं कि ये पापड़ी हमारी बिल्कुल, अब आप देख सकते हैं कि हमारी पापड़ी रेडी है। इसको अच्छी तरह से हमने निचोड़ के ऑयल से, तो फिर अब हमने इसको निकाल लेना है। ये एक रेडी हो गई, इस तरह से हम बाकी भी रेडी करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने एक होल इसमें बना के इसी तरह से पापड़ी डाली है, ठीक है। इसी तरह से इसको भी फ्राई करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं किस तरह से पक रही है, बहुत मज़े की लग रही है। आई थिंक सो ये रेडी होने वाली, बस अब इसका अच्छी तरह से हम ऑयल में छोड़ के इसको निकाल लेंगे। या देख सकते हैं बैक साइड से भी इसकी आप। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी पापड़ी की जो हमने वो बनाई थी टिक्कियाँ वो रेडी हैं। अब हम इसको तोड़ के आपको दिखा देते हैं ये कितनी क्रिस्पी और डिलीशियस लग रही हैं। देख सकते हैं आप, हमने इसको तोड़ा और ये किस तरह से इतनी क्रिस्पी लग रही हैं। ये देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी लग रही हैं। इसको हम अब दही बड़ों में डाल के खाएंगे, फ्रूट चाट पे, चना चाट पे, जिस पे मर्जी आप डाल के खा सकते हैं। इसको वैसे भी खा सकते हैं, बहुत क्रिस्पी हैं, ठीक है, और मज़े से आप खाएं, इसको एंजॉय करें, ठीक है। और ट्राई ज़रूर करिएगा उस रेसिपी को, और बताइएगा कि किस तरह से आपको कितनी मज़े की लगी, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।